अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसाना की किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चिकन बगर। बहुत ही टेस्टी और अच्छा बगर बनाया हमने, देखिए जूसी बिल्कुल ही, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक किलो चिकन का कीमा ले लिए हमने, इसको इस तरीके से बारीक मशीन में निकलवा लिए। अब चिकन की पैटी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, तो मैंने ली हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। ये डालेंगे, चिल्ली फ्लेक्स ली हूँ 2 टेबल स्पून भर के, ये ऐड करेंगे। मिक्स हर्ब्स है, ये ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च है ये कुटी हुई, ये ऐड करेंगे। और कुछ मसाले हमें ऐड नहीं करना है। ये मायोनीस ली हूँ, ये ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून, इससे जूसी और अच्छा बनता है, सॉफ्ट बिल्कुल पैटी। अब इन चीज़ों को हम मिला लेंगे। और कुछ मसाले हमें ऐड नहीं करना है इसमें, प्याज, कोतमीर, मिर्ची, कुछ भी नहीं। बगर का पैटी जो होता है सिंपल इसी तरीके से होता है, आप लोग ज़रूर बना के इसे ट्राई करना, एकदम ईजी तरीका है ये, बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेगा ये। चिकन में मसाले सब अच्छे से मिल गए हैं, अब इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये बनाने के लिए भी रेडी है, मैं इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखूंगी। चिकन को रखे हुए आधा घंटा हो गया, अब हम पैटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे ले लेंगे हाथ में, जितना साइज आप बनाना चाहते हैं उस साइज का ले लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से लेंगे और थोड़ा ऐसे हाथों से फैला लेंगे। और मैं थोड़ी चीज़ रख रही हूँ, अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी रख रही हूँ चीज़, मोज़रेला चीज़ है ये। अब इसे हम कवर कर देंगे इस तरीके से, बहुत ही इजी है बनाना। अब ऐसे फैला लेंगे हम हल्के हाथों से। सभी पैटी हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए बन गई ना, चीज़ भी कवर हो गई है। तो चलिए ऐसे ही बना लेते हैं हम। बगर पैटी बनके रेडी हो चुका है, ये देखिए कितने सारे और अच्छे बने। देखिए अब इसे हम फ्राई करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने मैदा ले ली हूँ, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। सलादी बना लेंगे। अब एक पैट इसको हम लेते रहेंगे। ब्रेड क्रम ले ली हूँ मैंने, और ये जो मैदे का और कॉर्नफ्लोर का बना के रखी हमने ये ले लिया, पहले इसमें डिप करेंगे इसको। अब ब्रेड क्रम में हल्के हाथ से देखिए इसी तरीके से हम सब कुछ कवर कर लेंगे ब्रेड क्रम से। ब्रेड क्रम लग गए अच्छे से, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी, ये थोड़े से ऑयल में फ्राई होता है, ज्यादा ऑयल नहीं लेता है ये। ये देखिए बिस्मिल्लाह, और स्लो आंच पे रखी हूँ, फास्ट आंच पे रखेंगे तो जल्दी से ये जल जाएगा, इसके लिए स्लो पे फ्राई करेंगे हम।
पैटी फ्राई हो चुके हैं, अभी से हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हुआ माशाल्लाह से। सभी पैटी को हम निकाल लेंगे। सेकेंड वाला बैच भी हमने डाल दिए, सभी को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये बगर ब्रेड ले ली हमने, अब हम बगर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने काट ली हूँ। टमाटर सॉस लगा लेंगे हम सबसे पहले। टमाटर सॉस लगा ली हमने। सैलेड पत्ता ले ली हूँ, इसको लगा लेंगे हम इस तरीके से। अब पैटीज रख लेंगे इसके ऊपर जो हमने बनाए। देखिए चीज का स्लाइस रख लेंगे, एक टमाटर रखिए और एक प्याज रख लेंगे। आपको जो पसंद है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा मेयोनीज लगा लेंगे इस तरीके से। ये ब्रेड पे भी लगा लेंगे हम। अब इसको हम इस तरीके से कवर कर देंगे। इसी तरीके से हम सेकेंड वाला भी बना लेंगे। अरे ये फ्रेंड्स चिकन बगर बनके तैयार हो चुका है। आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाया, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।